सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस, दो जजेस का अकलियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अकलियती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अकलियती फैसले में इजाफी नोट भी लिखा है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा खसूसी साकिब बशीर, हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, बताइए तफसीली फैसले में क्या लिखा गया है और इजाफी नोट भी शामिल है इसमें? जी बिल्कुल, ये मखसूस नशिस्तों का जो 12 जुलाई का फैसला आया था, उसमें जो अकलीती नोट था चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अकलीती फैसला, उसका जो तफसीली फैसला है वो जारी हुआ है। और उसी के साथ ही जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपना एक इजाफी नोट भी लिखा है, जिसमें ये चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से कहा गया है कि आइन को अपने अल्फाज में डालने से इज्तनाब करना चाहिए और अक्सरीती फैसला में 8 आर्टिकल 17 किताबों के 14 मरतबा जो है वो वाला दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि अक्सरीती फैसला की जो अदालती फैसलों के हवाले से गैर मुल्की माहरीन की तकरीरों का हवाला इसमें दिया गया है। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस काजी फैसा हैं उनके इस नोट में यह भी कहा गया है कि जो फैसला है वो, क्योंकि दो दफ़ा इसमें जो वजाहती नोट जारी हुआ है तो इससे तासुर मिलता है कि ये फैसला हुआ ही नहीं, और जब फैसला हुआ नहीं तो फैसले पर अमल दरामद करना भी बाइंडिंग नहीं है, ना ही इस पर अमल ना करने से जो तुहीन अदालत है वो जो है वो लगेगी। और इसमें उनकी जानिब से जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा हैं, जब ये इजाफी नोट लिखा गया था तो उस इजाफी नोट के तनाजुर में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो एक सवालनामा भेजा गया था, उनके सवालात के जवाबात को भी इसका हिस्सा जो है वो बनाया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि जो फैसला नुमा वजाहती नोट जारी करते हुए किसी फरीक की सुनवाई जो है वो नहीं की गई, और वजाहती नोट जारी हुआ तो अक्सरीती जजेस में से बेशतर इस्लामाबाद में मौजूद ही नहीं थे, और दूसरी वजाहत के लिए भी जजेस का इजलास कहाँ हुआ ये भी एक मामा है। और अपनी 46 साल कैरियर में कभी ऐसा होते हुए मैंने नहीं देखा, और वजाहती नोट्स को किसी सूरत भी अदालत जो है वो करार नहीं दिया जा सकता, ये जो है वो इस जो इख्तलाफी नोट का जो तफसीली फैसला है उसमें ये कहा गया है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से अपना एक एडिशनल नोट जो है वो इसमें लिखा गया है, और जो इख्तलाफी नोट था उसमें 39 नशिस्तें जो है वो उनकी तनासब के मुताबिक वो PTI उनको डिक्लेयर करने और उनको जो मखसूस नशिस्तें देने का फैसला दिया गया था, और 41 को PTI नहीं माना गया था। तो ये फैसला जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने दिया था, आज उसका तफसीली फैसला जो है वो जारी हुआ। जी ठीक है, साकिब बशीर, आपका बहुत शुक्रिया।